पंचकुला के सेक्टर 15 के भवन विद्यालय और विद्यार्थियों द्वारा एशियन गेम एवं देश में हुई विभिन्न नेशनल एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया, जिनको आज स्कूल के सचिव कुलभूषण गोयल द्वारा सम्मानित किया गया एवं उनका हौसला बढ़ाया गया। कि हमारा बच्चा एक आयान अग्रवाल जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, एशियन जोगन चैंपियन जो जैसू साउथ कोरिया के अंदर हुई, उसके अंदर 2 गोल्ड मेडल उसको मिले हैं और ये फर्स्ट टाइम है कि कोई भी भवन का बच्चा इतनी दूर तक नेशनल को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से जो हमारी टीचर हैं मैडम शिवानी सचदेवा, उनको भी वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है और वो नेशनल रेफरी के तौर पर आगे सेलेक्ट की गई हैं। और एशिया में इतने बड़े मेडल्स आना हमारे पंचकुला के स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से स्केटिंग के अंदर हमारे बच्चों ने जो स्टेट है उसके अंदर 15 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं। हमारे 6 बच्चे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं जो आगे अब कर्नाटका के अंदर होने जा रही हैं। मैं 6 बच्चे जो हमारे स्केटिंग के अंदर भी रोलर स्केटिंग और स्केटिंग दोनों के अंदर सेलेक्ट हुए हैं स्टेट की तरफ से, नेशनल में अब जाएंगे जो गेम्स खेलने के लिए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से एजुकेशन के अंदर NTSC के अंदर हमारे 11th क्लास में जो 7 बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि NTSC जिन्होंने क्लियर किया है सेकेंड टर्म, और ये 7 बच्चे हमारे NTSC के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से IIT गुवाहाटी के अंदर इस बार टेकाथलॉन का जो पेपर हुआ था उसके अंदर हमारे 2 बच्चे AIR 1 रैंक पे आया है, 1 बच्चा AIR 11 आया है, 1 AIR 24 आया है, 4 बच्चे हमारे पहले 25 के अंदर देश के अंदर आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं उन चारों बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ, हमारी प्रिंसिपल मैम को, कोचिज को, सारे जो हमारा स्टाफ है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतने अच्छे रिजल्ट्स भवन विद्यालय के सिल्वर जूबली ईयर के अंदर आ रहे हैं। आप सब प्रेस के पीपल्स का भी धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।